हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दिन के 1 बज रहे हैं और मैं हूँ दीव की शॉप पे। जैसे कि एज यूजुअल मैंने आपको बताया है कि दीव अपनी न्यू शॉप पे है और वहाँ पे ओपीडी चल रही है डॉक्टर की, तो वो वहीं पे है। सो गाइस, बाहर हो रही है बारिश, ये देखिए बाहर का मौसम। बाहर हो रही है बारिश, थोड़ी थोड़ी हो रही है, पहले थोड़ी तेज हो रही थी, अब थोड़ी कम हो गई है। सो गाइज, और आज है स्पेशल डे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि क्या है, मैं आज आपको बताऊंगी। सो गाइज, वो स्पेशल डे ये है कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, आज हमारी 5th मैरिज एनिवर्सरी है। 5 साल कैसे हो गए पता भी नहीं लगा, और पता भी लगा ऐसे बोल सकती हूँ कि ये नहीं पता लगा कि कैसा टाइम निकल गया, और पता ये लगा कि कितनी मुश्किलें आती हैं शादी के बाद, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कुछ करने का मन नहीं हो तो भी करना पड़ता है, इसीलिए नहीं कि कोई बोलता है, इसीलिए कि आपको लगता है ये चीज करनी है, जरूरी है, इसीलिए बोल रही हूँ। मैं शॉप पे अभी बिल्कुल अकेली हूँ और बाहर हो रही है बारिश थोड़ी थोड़ी, और मेरी शॉप पे फिलहाल अभी कोई नहीं आया क्योंकि बारिश की वजह से लोग कम बाहर निकलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मेरी शॉप डिस्टेंस में ज्यादा है, मतलब मार्केट से दूर है, तो लोग पैदल चलना कम प्रेफर करते हैं बारिश में, तूफान में, तो फिर कम आते हैं। सो अब दीवू ने तो थोड़ा शिफ्ट कर लिया, तो आई होप उसका अच्छा चल पड़े, और बाद में फिर कुछ और भी सोचेंगे, आगे क्या सोचेंगे आपके साथ सब शेयर करूंगी। और कुछ फिलहाल सेलिब्रेशन नहीं हो रहा, कुछ प्लानिंग हो रही है मेरी और दीवू की, क्योंकि बारिश हो रही है और ओपीडी खत्म होने के बाद मतलब दीवू फ्री हो जाएगा, तो उसका मन है कि हम शायद जम्मू जाएंगे। गाइज, हमारा प्लान बन रहा है शायद जम्मू जाने का, तो दीव कह रहे कि मैं, हमारा नहीं बन रहा था, मतलब दीव का प्लान था जम्मू जाने का, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। तो एक तो मैं काजल से मिल लूँगी, दूसरी हमारी एनिवर्सरी है और आउटिंग भी हो जाएगी, और तीसरी ये कि मेरी शॉप पे फिलहाल अभी कोई कस्टमर है नहीं, और मौसम बारिश वाला है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई शॉप पे आएगा फिलहाल। आ भी जाएगा तो भी क्या हुआ, तो दीवू ने जाना है, तो मेरा मन भी था कि चलो आउटिंग हो जाएगी, हमारी एनिवर्सरी है तो मैं काजल से मिल आऊंगी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि चलो बाहर निकलते हैं, काजल से मिल के आती हूँ। कल मेरी हेल्थ थोड़ी सी खराब थी, खराब मीन्स थोड़ा मैं डाउन फील कर रही थी, लो फील कर रही थी, तो आज मैं थोड़ा ठीक हूँ। सो गाइज, अभी दीवू आ जाएगा थोड़ी देर में, और फिर उसके बाद मैं और दीवू निकल जाएंगे जम्मू के लिए, जो हमने प्लान किया है। आगे क्या होता है मैं आपको बता दूंगी, जब निकलेंगे तो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल तो अभी मैं शॉप पे हूँ, और मेरे ना पार्सल आने थे और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था ये चीज। सो गाइस, जब भी आपके ऑनलाइन पार्सल आते हैं, आई डोंट नो कि आपको ये फील होता नहीं होता, मेरे को ये फील होता है कि जैसे गिफ्ट्स आए हैं उनको खोलने का इतना मजा आता है, चाहे वो आपने खुद ही ऑर्डर करे हो, आपने खुद ही अपने लिए मंगाए हो, और आपको शायद पता भी हो कि उसके बीच में क्या है, फिर भी आपको इतनी खुशी होती है उसको खोलने की। मजा तो आता ही है गाइस, पता नहीं सबको आता नहीं आता, मेरे को बहुत मजा आता है जब भी मैं पार्सल खोलती हूँ, ऐसा लगता है गिफ्ट्स आए हैं, जबकि पता है उसके बीच में क्या है। सो मेरे पार्सल आ चुके हैं, वो मैंने अपनी शॉप पे रखे थे, तो अभी मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी और फिर आपको बताऊंगी वो चीज़ें मैंने क्यों मंगाई है, मेरे को क्या नीड पड़ी वो ऑनलाइन ऑर्डर करने की। बाकी नॉर्मली मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, मैं ऑफलाइन बड़ा कम चीज़ें शॉप करती हूँ, सूट्स हो गए, इन चीज़ों को मैं ऑफलाइन शॉप करती हूँ, क्योंकि उसमें ना क्वालिटी चेक करने के लिए थोड़ा सा डाउट रहता है, इसीलिए मैं ऑफलाइन सिर्फ क्लोथ्स की शॉपिंग करती हूँ। बाकी ऑनलाइन मैं हर चीज़ की, स्किन केयर हो गया, मेकअप हो गया, कुछ भी हेयर से रिलेटेड हो गया, फिर फुटवेयर और क्लोथ्स जो होते हैं मैं वो ऑफलाइन करती हूँ, बाकी सब ऑनलाइन करती हूँ। सो गाइज, अब तो क्लोथ्स की शॉप भी अपनी हो गई है, तो अब वो भी रट्टा खत्म कि अपने बाजे की शॉपिंग करनी है, वो भी खत्म, खाली एक फुटवेयर का है, तो वो चल जाता है, हो जाता है काम। वो मैं जब भी बाहर निकलती हूँ ले आती हूँ, अगर मैं दिल्ली जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, मेरे को टाइम लगे, मैं अपने लिए शॉप कर लेती हूँ। सो गाइज, फिलहाल तो मेरे पास फुटवेयर इतने हैं कि मैंने काजी की शादी में शॉपिंग करी थी, तो मेरे पास इतना सामान है कि अब मेरे को कुछ नया लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, शूज मेरे को हर बार रहता है कि जब भी जाऊँ एक शूज लूँ अच्छा ब्रांडेड, बट अब ले नहीं पाई, अब नेक्स्ट विजिट में देखूंगी, मौका लगेगा तो फिर लूंगी। फिलहाल तो अभी मेरे जो पार्सल आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ उसकी, वो मेरी अपनी शॉप पे पड़े हैं, तो वहीं चलते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने चीज़ें क्यों मंगाई हैं। सो चलते हैं गाइज मेरी शॉप पे। सो गाइज, बारिश देखो बाहर, मौसम ये देखो बाहर गिल्ला। सो गाइज, ये आए हैं मेरे पार्सल। सो गाइज, ये है मेरा पहला पार्सल, सो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, यार। सो गाइज, आप भी सोच रहे होगे कि मैंने बी ब्लेंड का क्या प्रोडक्ट मंगा लिया ऑनलाइन। सो गाइज, मैंने इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे सुने थे, नॉर्मली मेरे को इस चीज़ की नीड थी इसलिए मैंने ये मंगाया, इसके काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे थे, और आगे भी मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, और क्यों तो मैंने सोचा इस बार भी मंगा के देखते हैं कि रिव्यूज़ कैसे हैं, तो देखिए कितने अच्छे से पैक होके आया है। पहली चीज़ ये है, क्या है मैं दिखाती हूँ, दूसरी चीज़ ये है, और तीसरी चीज़ ये है, ये क्या है आपको सब दिखाऊंगी। गाइस, पहली आई है मेरे पास, ये देखिए,
ये मैंने इसका रिव्यूज अच्छे सुने थे तो मैंने सोचा मंगा के देखती हूँ। क्वांटिटी भी अच्छी है, 300 ml है और इस मेरे को किस प्राइस में पड़ा मैं आपको वो भी बताऊंगी। ये दोनों है शैम्पू और कंडीशनर, आप इसको कंडीशनर, हाँ मैंने इनकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट से मंगवाया और मैंने ये कहीं बाहर से नायका नुका से नहीं मंगाया, मैं नायका से ही ऑर्डर करती हूँ, मैं बड़ी वेबसाइट से ऑर्डर करती हूँ गाइस। ये मैंने इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से मंगाया जो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मंगाया है। तो ये मेरे पहले दो शैम्पू और कंडीशनर प्लस इनका सीरम भी मंगाया गया। मेरा बहुत देर से मन था इसका सीरम ट्राई करने का तो ये मैंने इसका सीरम भी मंगाया वीब्लेंड का। सो गाइस इसकी स्मेल बहुत अच्छी है तो ये मैंने मंगाया। ये देखिए पूरा तीन का कॉम्बो है, क्या डील मिली, किस प्राइस में मंगाया मैं आपको शेयर करूंगी, क्या कितनी अफोर्डेबल है, कैसे इसके रिजल्ट्स हैं ये जब मैं आपके साथ यूज़ करूंगी ना जिस दिन उस दिन आपको उसका रिव्यू दे दूंगी। फिलहाल तो अभी आप ये देख लीजिए मैंने ये मंगवाई हैं तीन चीज़ें और दूसरा क्या मंगाया वो भी दिखाती हूँ आपको। तो गाइस इसको मैं खोलने की कोशिश कर रही थी फिर मैंने सोचा कि नहीं खोलते आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी तो अब मैंने आपके सामने कर रही हूँ। अभी देख के बताती हूँ गाइस। अच्छा गाइस मुझे लगा कि ये आया है मेरा कुछ और प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था, बट एक्चुअल में ये पता क्या आया है, दीवू के चश्मे लेंस कार्ड वाले जो हमने उस दिन मैंने आपको दिखाया था दिल्ली ऑर्डर करा था तो हमने अपने एड्रेस में बोला था डिलीवर करने के लिए, ये आ गए हैं। पहला ये है जो मैंने फॉर्मल के लिए बोला था दीवू के लिए। सो गाइज झोल हो गया, मुझे लगा कि मेरा दूसरा पार्सल आया जो मैंने ऑर्डर करा है, बट एक्चुअल में आई है ये चीज़ जो दीवू के काम की और ये बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जो चश्मा उसने पहना है वो उसके काम नहीं आ रहा गाइज, उसको बीच में स्क्रैच है तो उसको दिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज हमारी एनिवर्सरी है तो उसके लिए इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैं आपको और भी दिखाती हूँ और ये आया है इसका दूसरा चश्मा। हम सो गाइज हमेशा हम कॉम्बो में चीज़ लेते हैं ताकि दीवू को ईजी रहे चेंज करने के लिए, रेगुलर पहनना है उसने ये। सो गाइज ये है दूसरा वाला प्लेन वाला, अभी दीवू जब पहनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे को तो अच्छा लगा दोनों क्योंकि दोनों हमने खुद ही चूज किए हैं तो ये दोनों आए हैं। मुझे लगा था कुछ हो रहा है तो झोली हो गया, बट ये भी अच्छा है गाइस। इसके साथ ये क्या मिला है पता है? हाँ जी भैया, हाँ सो गाइस कोई आ गया था तो मैं वहां पे गई थी। सो ये एक और चीज आई थी बीच में, ये देखिए एक तो बॉक्स आया ना इसकी स्पेक्स आई है और दूसरा ये जो बॉक्स है इसमें क्या निकला मैं अभी आपको बताती हूँ। एक निकला इसमें ये और मेरे हिसाब से ये फर्स्ट टाइम आया गाइस, ऐसे नॉर्मली हम जब भी लेंस कार्ड से शॉपिंग करते हैं ऐसा कुछ आता नहीं है, ये पहली बार आया। तो ये मुझे लग रहा है कि ये स्प्रे फॉर्म में है तो मुझे लग रहा है ये लेंस क्लीनर है और ट्रेवल फ्रेंडली है कि आप कहीं भी जाओ तो इसको अच्छे से क्लीन कर पाओ, एक चीज़ ये है। और एक ना गाइस इसमें पेन आया है, ये देखिए पहली बार हुआ गाइस कि ये चीज़ मिली है हमें, ये देखिए काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है इसकी क्वालिटी। नाम क्या है, रोड एंड स्टॉक ब्रांड है कोई उसका आया है ये, उनकी तरफ से आया है एज अ गिफ्ट ही होगा मेरे हिसाब से। तो थैंक यू लेंस कार्ड और थैंक यू स्पेशली जिन्होंने हमें वो दिया, मतलब ये जहाँ से हम लेके आए हैं उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से हमें डील किया और हमें बताया कि ये देखो गाइस ये मैंने आपको कहा नहीं वही है ये क्लीनर और इसके साथ ये कपड़ा भी मिला है और ये भी ये देखो इसके ऊपर लिखा है रोड एंड स्टॉक। तो आई थिंक कि अच्छा है ये भी तो इसको हम संभाल के रखते हैं। हाँ सो गाइस जब दीवू आता है तब मैं आपके साथ उसकी लुक भी शेयर करूंगी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा पहली बार ऐसा गिफ्ट आया है। और पैकिंग गाइस इतनी प्यारी है ना, आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो जैसे पॉलीथीन पैक ऐसे पर्स होता है ना वैसे है और जब इसको खोलते हो ना, जब आप इसको खोलते हो तो इसमें ना इधर था ये इधर बॉक्स था, इसमें वो है छोटा सा हैंकी और प्लस वो स्प्रे जिससे हम लेंस साफ कर सकते हैं और दूसरा ये आ गया पेन और ये जिस ब्रांड का उसका नाम है रोड एंड स्टॉक और बहुत ही क्यूट है गाइज। और मुझे लगा पता नहीं क्या आ गया मेरा पार्सल आया दूसरा वाला तो हैप्पी फिर भी हैप्पी हूँ गाइज। ये है दीवू का सामान जो दीवू आएगा तो उसको देंगे उसकी एनिवर्सरी गिफ्ट मेरी तरफ से, चाहे हमने पेमेंट पहले कर दिया गाइज। और दूसरा मेरा आया ही ये आपको मैं पहले दिखा चुकी हूँ जो सीरम है इंटेंस मॉइस्चराइज सीरम, ये जो है ये इसका रिव्यूज़ मैंने इसलिए सुने अच्छे मेरे को लगे क्योंकि नॉर्मली ना आप सलून में जैसे हम जब भी कभी स्पा स्पू या कुछ भी कराते हैं जैसे कलर कराते हैं या
उसके बाद ब्लीच कराते हैं अपने हेयर्स को, उसके बाद क्या बोलते हैं बलियाज कराते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसमें नॉर्मली सीरम्स जो यूज़ किए जाते हैं ना सलून वाले, वो यही होते हैं, ये सीरम्स होते हैं, तो यही उनकी रेंज है सलून रेंज। तो मैंने सोचा एक बार मंगा के देखती हूँ, क्योंकि मैं सो गाइस मैंने भी अपने हेयर में बलियाज कराया हो, तो मैंने सोचा कि एक बार इसका ट्रीटमेंट लेके देखते हैं और ये किस रेंज में मुझे मिला वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बट उससे पहले हम चलते हैं दिव्यू की शॉप पे और फिर आपको मैं बताती हूँ कि मेरे को ये किस प्राइस में मिला और मैंने कहाँ से मंगाया था, मैंने कोई कूपन कोड यूज़ किया था नहीं किया था, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस एक तो ये गाड़ियाँ जाती हैं तो इतना शोर होता है, मैं आपसे बात भी नहीं कर पाती, और घर जाके इतने काम होते हैं कि टाइम ही नहीं लगता। तो बात यह कि आपको मैंने दिखा दिया अपनी ये रेंज जो मैंने मंगवाई है, ये और ये सीरम शैम्पू और कंडीशनर। हाँ अब मैंने क्यों मंगाया मैं आपको बताती हूँ, एक तो पहले मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ चीज़ें, ठीक है, और दूसरी ये चीज़ है कि आपको अगर किसी ब्रांड पे ट्रस्ट है तो फिर आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। ट्रस्ट भी चलो इस मैंने इसका पहले कभी कुछ यूज़ नहीं किया तो मुझे ट्रस्ट का नहीं पता, बट मैंने इतना सुना है कि ये सलून रेंज होते हैं, सलून में ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। अब जैसे मेरे बाल कलर ट्रीटेड है, मैंने अपने हेयर्स में बलियाज करवाया हुआ है, तो नॉर्मली मैं ना पहले ट्रस्ट में यूज़ कर रही थी, मेरे हेयर्स में सारे शैम्पू सूट कर जाते हैं क्योंकि स्ट्रेट हैं, हाँ स्कैल्प ऑयली है, तो दैट्स वाई मैं बता नहीं सकती कि कौन सा बहुत अच्छा। वेला प्रोफेशनल का शैम्पू और कंडीशनर मेरे को बहुत सूट किया था, वो अभी तक मैं यूज़ करती हूँ, अल्टरनेट बीच बीच में चलता रहता है। और इस बार मैंने नाइका का मंगाया था, नाइका नेचुरल्स का, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और मैंने स्किन फूड का मंगाया था तो वो भी अच्छा है, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरा क्वांटिटी ख़त्म होने को है तो इसीलिए मैंने ये मंगवाई रेंज, और इसके रिव्यूज़ मैंने अच्छे सुने थे तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मंगवाई। और मेरे को आदत है मैं अपने स्किन केयर में हेयर केयर पे इन्वेस्ट करती हूँ, वो नहीं देखती हूँ फिर कितने का आएगा, हाँ थोड़ा अफोर्डेबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बाकी। तो बाकी मेरे को ये होता है कि जब मैंने अपने हेयर्स पे बलियाज कराया था तो मैंने सोचा था कि मैं शैम्पू कंडीशनर ऐसा लूँगी जो मेरा कलर सेफ़ हो, जैसे मेरे कलर ट्रीटेड हेयर है तो उसके लिए वो सेफ़ हो, तो इसीलिए मैंने ये रेंज मंगवाई है, क्योंकि जिसको मैंने ये देखा है तो उसके रिव्यूज़ सुने थे तो, और बाकी मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी रिव्यूज़ पढ़े तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, ये दोनों स्कैल्प में काम करता है, बजट फ्रेंडली है गाइस, महंगा नहीं है। नॉर्मली अगर आप देखो तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये है ऑलमोस्ट अगर आपको दिख रहा हो तो 300 ml, और 300 ml का शैम्पू आप एक्सपेक्ट कितना करोगे कितने का होगा, नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करोगे 300 ml का शैम्पू 300 से 500 के बीच में होगा, तो एक्चुअल में ये उसी प्राइस में है। सो गाइस इसका MRP है 400। सो गाइस ये देखो अगर आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो 399। सो गाइज इसकी MRP है 399, मतलब 400 का शैम्पू है, 400 का कंडीशनर है, और इसका सीरम थोड़ा महंगा है क्योंकि 650। तो गाइज टोटल मेरे हिसाब से 800 प्लस 650 हो गया 1450, हाँ 1450 का ये सारा सामान है, बट मुझे पड़ा है 1040 रुपये का, दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किया था और मुझे काफ़ी अच्छे डील में मिला, तो 1040 लगा लो 1050 रुपये में मिला, तो इससे बेस्ट डील क्या होगी। MRP है वो 1450 है तीनों की, तो मैंने कॉम्बो लिया तो मुझे वो जैसे कैसे करके कूपन लगा के मुझे मिला 1050 रुपीज़ का। सो गाइज अफोर्डेबल प्राइस है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि कितना लेस करके मिला मुझे। गाइज 1000 रुपये में आपको शैम्पू कंडीशनर प्लस सीरम मिल जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, जो यूज़ करते हैं उनको ये चीज़ पता है। बाकी मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, मुझे ना इसको यूज़ करने दीजिए, इसके रिव्यूज़ क्या है मैं आपको दूंगी इसको यूज़ करने के बाद, एक दो एप्लीकेशन यूज़ करने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि मेरे हेयर्स कैसा फ़ील हो रहे हैं। नॉर्मली जो मेरे हेयर्स हैं तो मेरे को पता लग जाएगा कि सिल्की स्मूथ फील हो रहे हैं या ऑयली फील हो रहे हैं, चैपी जो भी है मैं आपको बता दूंगी। तो फिलहाल तो मेरा ये वाला पार्सल आ गया, सो गाइज मुझे लगा कि वो पार्सल मेरा स्किन केयर के रिलेटेड जो मैंने मंगाया था वो आया, बट आया क्या, दिव्यू के स्पेक्स आए, और उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइज उसके लिए ये बहुत ज़रूरी थे क्योंकि जो उसने फ्रेम पहना हुआ ना उसके आगे जोरों ने एक दिन ये फ्रेम पकड़ा था, वो आगे वाले में स्क्रैच कर दिए थे तो वो पहन नहीं पा रहा था। और एक्चुअल मैं आपको बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि उसके पास और कोई स्पेक्स नहीं है। सो गाइज ये है उसकी एक और स्पेक्स, ये पहन सकता है,
बट रीजन क्या हुआ है कि जब ये पहनता था उसके बाद इसका नंबर चेंज हुआ था, फिर जो उसने अभी पहनी है जिसमें स्क्रैच आए हुए हैं थोड़े से आगे, तो उसको देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो सही उसका नंबर जो चल रहा था एट प्रेजेंट वो वाला नंबर था उसके आई का, लेंस का, बट वो अब खराब हो चुकी है तो उससे उसे दिक्कत होती है पहनने में, तो वो बेचारा वेट कर रहा था कि उसके लेंसेज आ जाएं, मतलब उसकी स्पेक्स आ जाए तो वो आराम से पहन पाए, तो इससे अच्छा गिफ्ट नहीं होगा उसके लिए उसके एनिवर्सरी पे। तो अब उसको फ़ोन करते हैं और उसको बुलाते हैं और जब वो पहनेगा मैं आपको दिखाऊंगी, फिलहाल तो मुझे दोनों फ्रेम्स पसंद आए, तो करती हूँ दीप को फ़ोन और उसको पूछती हूँ कब तक आ रहा है और क्या प्लान है आगे का, आपको सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस। शुगर है क्या? शुगर है ये रेगुलर पहनने के लिए जो लाई है ना, क्लियर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, फ्लक्चुएशन हो गई, दो तीन मिनट बाद सेट हो जाएगी, क्योंकि वो अभी नया लेंस है ना, चेंज करके डाला जाए दूसरा, तो मेरे काले वाले भी डाल ले, ब्लैक वाली, अच्छा दूसरी वाली दिखा, पहन के दिखा, उस वाली क्यों पहनी, पहन के तो दिखा, ये है फॉर्मल बाहर जाने के लिए, अच्छी लग रही है, नहीं ये भी अच्छी लग रही है।